एचडीएफसी बैंक पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, इसके कॉन्कॉल की क्या क्या खास बातें रही बताने के लिए वरुण मेरे सहयोगी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। तो देखिए, कॉन्कॉल में तो कंपनी ने काफी कुछ कहा है, नतीजे नो डाउट इतने खास नहीं थे, उसके बाद इसके लिए आप स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी ने कहा है कि सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रही, खासकर रिटेल फेसिंग सेगमेंट्स जो है वहां पे काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। इसके अलावा कमेंट्री में खासकर हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जो अपडेट कंपनी ने दिया है वो काफी अच्छा है। इनका कहना है कि अगला दशक जो है उसमें हाउसिंग फाइनेंस में आपको काफी बेहतर ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन इस कंपनी ने हाउसिंग फाइनेंस में कहीं ना कहीं अपने पीयर्स के सामने अपने कुछ क्लाइंट्स जो है उनको गवाया है। करीब करीब 50,000 करोड़ के आसपास के जो लोन्स थे वो इन्होंने अपने जो क्लाइंट्स है उनके पास गवा दिए हैं। इसलिए क्योंकि जो लगातार रेट्स बढ़ रहे थे उसके बाद काफी सारे क्लाइंट्स जो है या फिर काफी सारे जिन्होंने लोन दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे बैंक्स के तरफ भी शिफ्ट किया है जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम था या फिर इंटरेस्ट रेट देरी से बढ़े थे, तो ये एक दिक्कत की बात रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड कारोबार, इसको लेके इन्होंने अपडेट दिया है कि इस क्वार्टर में अब तक का सबसे बेहतर एडिशन जो है वो क्रेडिट कार्ड्स में देखने मिला है। करीब 12 लाख नए क्रेडिट कार्ड्स जो है वो एचडीएफसी बैंक ने जोड़े हैं। इसके अलावा आगे चल के जो कंपनी का फोकस रहने वाला है या बैंक का फोकस रहने वाला है वो फिजिटल बैंकिंग पे रहने वाला है। फिजिटल बैंकिंग बेसिकली फिजिकल प्लस डिजिटल बैंकिंग जो है वहां पर कंपनी का फोकस रहने वाला है, जैसे कि अब तक था भी। इसके अलावा तुरंत कैशबैक ऑप्शन के साथ पेमेंट ऐप ये लॉन्च करेंगे, ये इनका कहना है। कॉर्पोरेट और एसएमई पर फोकस जो पेमेंट ऐप है उसको लॉन्च किया जाएगा। एचडीएफसी अर्गो में फिलहाल नए निवेश की योजना नहीं है और एचबीडी फाइनेंस का जो आईपीओ है उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मर्जर के बाद जो है वो ये विचार होगा। इकोनॉमी को लेकर भी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि सर्विस, ट्रेड और दुनिया भर में ट्रैवल जो है इस सेगमेंट में काफी बेहतर ग्रोथ हो रही है और आगे भी ग्रोथ देखने मिलेगी। पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग के चलते इकोनॉमी में आपको काफी मदद मिलते हुए दिखाई देगी और रिटेल महंगाई जो है यहां से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। खासकर दो चीज मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी, एक तो हाउसिंग फाइनेंस जहां पे इन्होंने कहा कि अगले दशक में अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, और क्रेडिट कार्ड्स में जिस तरह से एडिशन हुए करीब 12 लाख के, ये काबिल तारीफ है। ओके, तो ये रहे एचडीएफसी बैंक के कॉन्कॉल की सारी डिटेल। एक बार चेक इस स्टॉक का भी ले लेते हैं। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि 1350 के नीचे 1% की कमजोरी। तो जरा एक बार इसके चार्ट पर जय से राय ली जाए। जय, चार्ट देखिए एचडीएफसी बैंक के। बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी आज इम्पोर्टेंटली ये चीज देखने मिली है स्टॉक में कि इसने अपने लोज को पहले तो होल्ड किया और वहीं से हमें बाउंस बैक दिखाया। सो आज के जो लोज है अनिल जी 1340 के करीब, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं, ओपनिंग लेवल्स है। इनफैक्ट एक और चीज अनिल जी, ये भी मैं कहूंगा कि ऑन दी अपसाइड इसके 1380 के आसपास के जो लेवल्स है वहां पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है। तो ये स्टॉक में अगर आपको तेजी देखने मिलेगी तो 1380 के ऊपर ही देखने मिलेगी, अदरवाइज ये एक रेंज में ट्रेड कर सकता है एक दो के लिए 1340 से लेकर 1380 के लिए। 1340 ब्रेक करता भी एनर्जी तो फिर से इसमें हर 10-15 रुपए पर एक अच्छा सपोर्ट है, आई मीन 1320-1300 तो लेवल्स के मेजर इसमें वीकनेस आपको 1300 के नीचे ही देखने मिलेगी। 1300 के नीचे जाता है एनर्जी, देन एक फ्रेश लोज आपको 52 वीक के देखने मिलेंगे जो मार्केट के लिए भी काफी खराब होगा। 1300 के नीचे एक बहुत ही बड़ा लेवल है जो निकल कर आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 1240-1200 लेवल। सो इतना अच्छा खासा गिरावट आपको वहां पे देखने मिल सकता है, अदरवाइज ऑल 10-15 पॉइंट्स पे अच्छा सपोर्ट है, बट स्ट्रेंथ आपको 1380 के ऊपर ही देखने मिलेगी। तो मेरा व्यू एचडीएफसी पे एज ऑफ नाउ एनर्जी साइडवेज का है, नेगेटिव में तब करूंगा जब 1300 के नीचे डिसिसिव क्लोज हमें दे।